हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च वी कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है, कि हम उसे अगर रिसर्च के बाहर भाषा में कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, उसके बारे में स्टडी किया कि रिसर्च क्या है, फिर से पूछे जनरल टर्म तो हम बता सकें कि सिस्टमेटिक स्टडी है, ये एक तरीका है, एक स्टाइल है जिसके द्वारा हम साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इसके डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, ये डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ है, क्विस्ट फॉर ट्रूथ है, ये सर्च ऑफ हिडन नॉलेज है, तो इस तरह से हमने कई सारी चीजें पढ़ी, प्रैक्टिकल कर पढ़ी। फिर हमने पढ़ा ये फ्रांसीसी वर्ड से बना है, रिसर्च से बना है, जिसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। उसके बाद और आगे बढ़े, फिर हमने टाइप्स पढ़े कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि रिसर्च को जो है समझने के दृष्टिकोण से फॉर अंडरस्टैंडिंग कई भागों में डिवाइड किया गया, जैसे फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च कहते हैं उद्देश्य के आधार पे, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फिर डिसीजन के आधार पे एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, अप्रोच के आधार पे, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, और नेचर के आधार पे हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशन रिसर्च। ये रिसर्च के बेसिक टाइप पढ़े, और भी अगर पढ़ना चाहें तो और भी है, अगर बेसिकली ऐसे डिवाइड किया जाए कि रिसर्च कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो यू कैन डिवाइड रिसर्च इन टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक, दो भागों में बांटा जा सकता है। अब जो बाकी सारी रिसर्च बताई गई, जैसे एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या लैंग्वेज करने वाली रिसर्च है, जिसको चाहे जिस भाग में दोनों के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे जब क्वेश्चन अगर आपसे आता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसर्च को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, या रिसर्च के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं बेसिकली रिसर्च कैन बी डिवाइडेड टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर ढेर सारे टाइप जितने हमने बताए हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे एक्सपेरिमेंट हो, जिसके अंदर डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर डेटा का एनालिसिस किया जाता है, वो सभी क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक में चली जाएंगी, और जिसके अंदर जो है डेटा, जो है डेटा की व्याख्या की जाती है, जिसमें मेजरमेंट करना मुश्किल होता है, केवल व्याख्या करना आसान होता है, यानी जहाँ पर हम अब्सोल्यूट जीरो यानी वास्तविक शून्य नहीं ला पाते हैं, ट्रू जीरो नहीं ला पाते हैं, वो रिसर्च जो है उस रिसर्च को हम क्वालिटेटिव के अंतर्गत रखते हैं, गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दो चीजों की जो है भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आप देखिए क्या होता है, रिसर्च इतने भागों में क्यों डिवाइड करके आपको बताएगी, इसलिए बताई गई कि समझना आसान हो जाए, बस साधारण शब्दों में समझाने के लिए। अदरवाइज अगर आपसे सिंपल कोई पूछता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि रिसर्च कहीं आपको ये ऐसा मिलेगा भी नहीं कि रिसर्च को उद्देश्य के आधार पर इतना विभाजित किया गया, नहीं, ऐसा कुछ कहीं किसी बुक में भी नहीं है इस चीज को लेकर के, और कहीं कहीं दिया भी हुआ है, सिंपल सा दो तीन डिविजन दिए हुए हैं जो आपको बताया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, आपको अच्छी अच्छी बुक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज हम आगे उसके बाद में डिटेल से स्टडी करते हैं कि जो हमने कल पढ़े फंडामेंटल लेक्शन, जितने भी रिसर्च पढ़े उन रिसर्च के बारे में, वो रिसर्च कौन से डिटेल से आते हैं। तो पहले रिसर्च जो हमारा पहला टाइप हुआ है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल रिसर्च क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है, कल हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, और स्टार्टिंग करने के बाद क्या हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से याद है। तो फंडामेंटल रिसर्च है जिसे मूलभूत अनुसंधान कहते हैं, उसको कई भागों में डिवाइड किया गया, इसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, इसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक। ये भी क्या है, रिसर्च का एक साइंटिफिक मेथड है, जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है एम टू इम्प्रूव और डेवलप साइंटिफिक थ्योरीज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, जो वास्तविक प्राकृतिक घटनाएं जो घटित हो रही है, ठीक है, उनके बारे में जो है साइंटिफिक थ्योरी यानी सिद्धांतों का निर्माण करना, या जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना, तो ही ये होती है। देखिए पहले से सिद्धांत बना हुआ बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल फेनोमेना के आधार पर जो आकस्मिक अपने आप से घटित होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो क्या होती है मैन मेड होती है, और कुछ चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं नेचर की मेड होती है। आप जानते हैं कि प्रकृति क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेचर, तो आप ठीक है, तो नेचर का मतलब होता है वो जो कुछ भी जो मनुष्य ने निर्मित नहीं किया है, जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है वो सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ नेचर है, तो जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है वो सब आर्टिफिशियल है, तो जिसका निर्माण जो है मनुष्य ने नहीं किया है वो सब प्राकृतिक, उसमें घटने वाली जितनी घटनाएं
घटनाएं वो सब प्राकृतिक घटनाएं। तो ये जो है क्या करता है, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, तो ये क्या करता है कि वो साइंटिफिक जो घटनाएं है, जो नेचुरल फेनोमिना घटनाएं हैं, उनको स्टडी करता है, उनके बारे में प्रिडिक्शन करता है कि ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, या ये चीज क्यों हो रही हैं, और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा ग्रेविटी की थ्योरी, या जितने भी ग्रेविटी की थ्योरी कह सकते हैं, और जितने भी भाप का इंजन बना, या जितनी भी सारी खोजें हुई, वो कैसे हुई, प्राकृतिक एरोप्लेन बना, ये सब प्राकृतिक चीजों को देख करके ह्यूमन ने बनाया, ठीक है। अगर प्राकृतिक चीजों को देखा, उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया कि प्रकृति में ऐसी चीज होती है, अगर हम उसको उसका उस चीज का उपयोग करना चाहें, भाई ग्रेविटी ऊपर से चीजें गिरी तो सिद्धांत दिया गया ग्रेविटी का, उसके आधार पर उपयोग है, चिड़िया उड़ रही थी उसको देख के एरोप्लेन बनाया गया, भाप की वजह से जो ढक्कन उड़ रहा था उसी की वजह से भाप का इंजन बना दिया गया। तो प्राकृतिक घटनाओं को देख करके उसका उपयोग किया गया। जब भाप की वजह से ढक्कन गिर रहा था, तो उस समय जो ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो है इससे इंजन भी चल जाएगा, उस समय केवल और केवल ये था कि बस जो है इसकी, बहुत सारे लोग खाना बनाते रहे, बहुत पहले से बनाते चले आए, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं है, चिड़िया बहुत पहले से उड़ रही है लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया कि इस तरह से क्या एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो रिसर्चर जो होता है, वो रिसर्चर क्या करता है, साइंटिफिक चीजों को देखता है, जो ऐसी प्राकृतिक चीजें घटित हो रही हैं उनको देखता है, उनको देख करके उनके माध्यम से अनुमान लगाता है, या उनके माध्यम से अनुसंधान करता है, क्या ऐसा कुछ और भी हो सकता है, क्या ऐसी चीजें बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा ढेर सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, और उनमें जब उनके कोर में जाइए, उनके कोर में जाकर के पता कीजिए कि जो इन्वेंशन बनाया गया, ये जो चीजें की गई कैसे की गई, तो आपको पता चलेगा ये चीजें प्राकृतिक चीजों को देख करके गए, रोबोट बनाए गए, छोटे छोटे सब प्राकृतिक चीजों को देख करके बनाए गए, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सिद्धांतों का निर्माण होता है। और दूसरा क्या है कि जो सिद्धांत पहले से बने हुए, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो पहले से कोई दे गया, पहले से बना गया, जैसे ऐसा है किसी ने कहा कि भाप के इंजन, भाप से जो है वो चीजें जो है ढक्कन गिर जाता है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत इंजन बना दिया गया, उन्होंने सिद्धांत दिया कि भाप जो है वो बड़ी से बड़ी चीज को पुश कर सकती है, तो उसके आगे विकास हुआ और धीरे धीरे इंजन बना, भाप का इंजन बन गया, तो जो पहले का सिद्धांत था उसमें आगे चल के इम्प्रूवमेंट हुआ कि भाप का बेहतर उपयोग कैसे करें। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं लेकिन वो सिद्धांत जो होता है प्रिसाइज नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा कि पहले कहा गया पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाता है, पृथ्वी किसके, सॉरी सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, फिर सिद्धांत आया नहीं, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो पहला सिद्धांत जब आया कि सूर्य जो पृथ्वी के चारों चक्कर चक्कर लगाता है, क्योंकि हम जब पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी हमें स्टेबल दिखाई देती है, सूर्य हमें घूमता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि सूर्य आ रहा है और जा रहा है, तो पृथ्वी पे रहने वाला व्यक्ति को लगता है कि सूर्य घूमता। तो पहले इतनी साइंटिफिक चीजें नहीं थे, इतने वैज्ञानिक खोज नहीं थे, तो ये कहा गया भाई जो है सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन जैसे जैसे साइंस पढ़ा, जैसे जैसे चीजों की चीजें पता चला, तो मतलब भाई साइंस क्या कहता है, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि नहीं भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो जो पुराने सिद्धांत था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए इससे किसी समस्या का डायरेक्ट लेना देना नहीं है, इससे किसी समस्या का डायरेक्ट लेना, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाए और सूर्य चाहे पृथ्वी के चक्कर लगाए, इससे सामान्य व्यक्ति को कोई लेना देना है, आपके जीवन में कोई इससे फायदा कोई नुकसान हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, या चंद्रमा सूर्य के चक्कर लगाता है या पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आपका डायरेक्टली इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये आपको पता ना चले, पूरी जिंदगी किसी को पता ना चले कि सूर्य चक्कर लगाता है या पृथ्वी चक्कर लगाता है, तब भी उसकी जिंदगी आराम से कटती रहेगी, बिना इस चीज को जानने कि चंद्रमा पे पानी है कि नहीं है, इस चीज को बिना इस जानकारी के भी उसकी जिंदगी कटती जाएगी, ठीक है। या अंटार्कटिका पे क्या है, बर्फ क्यों जमती है, ठीक है, या दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, इसकी जानकारी करोड़ों लोगों को नहीं है, बहुत सारे लोगों को है ही नहीं जानकारी, लेकिन उनकी जिंदगी आराम से चल रही है। तो ये जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, एक्चुअली ये सिद्धांतों के निर्माण के लिए होता है, या पुराने सिद्धांतों में सुधार के लिए होता है, या यूं कहें इसका ये जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, ये ज्ञान में वृद्धि के लिए होती है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि के लिए जो रिसर्च की जाती है उससे जो है फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, इसका वास्तविक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, हमारा मार्स मिशन पिछली बार फेल हो गया था, अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा कि चाइना का जो एक रोवर था वो मार्स पे जाकर के लैंड हुआ, अब मार्स पे कोई स्टडी हो रही है, बताइए मार्स पे उस स्टडी से हमें कोई फायदा हो रहा है क्या, डायरेक्टली कोई वास्तविक समस्या जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इन भविष्य में हमारी कोई हो सकता है उस समस्या का समाधान हो जाए। जैसे भाप का, भाप जो बर्तन जो
खाना बन रहा था, उसे जब भाप का ढक्कन गिरा तो उस सिद्धांत का निर्माण किया गया, लेकिन आगे चल करके उसी सिद्धांत से व्यवहार में उपयोग में लाया गया। तो इसी तरह से ये जो फंडामेंटल रिसर्च होता है ये सिद्धांतों के निर्माण किया। अभी आपने एक क्वेश्चन आया था, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था, क्या फंडामेंटल जो रिसर्च होती है क्या उनके जो नियम होते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनका उपयोग व्यवहारिक में किया जा सकता है, व्यवहारिक रिसर्च में? तो इसका आंसर था यस, ठीक है। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, ज्ञान में वृद्धि के लिए बनाई गई, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि के लिए बनाई गई। आपने देखा होगा जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटता है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये ज्ञान हमें मिला, जब पता चला कि जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो जो साइंस के फील्ड में, जो स्पेस साइंस में काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज पता चल गई। क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से वो क्या है, जैसे हमारे यहाँ फ्लाइट से एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं, मौसम की जानकारियां मिलती है, स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं? अगर ये हमें जानकारी नहीं होगी हमारे यूनिवर्स के बारे में हमें, तो हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हमें यूनिवर्स की जानकारी हुई, तो उससे हमारा व्यवहारिक लेना देना नहीं था, लेकिन आगे चल के हमारा व्यवहारिक, जैसे भाप का वो गीला ढक्कन, तो उससे व्यवहारिक लेना देना नहीं था, लेकिन जब आगे चल करके समस्या आई कि हमें कोई भार ढोना, भारी वाहन चाहिए, तो क्या हुआ, भाप का इंजन बनाया गया उसी से। इसने कहा था कि जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जीन पियाजे, जीन पियाजे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इनकी क्यूरियोसिटी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए एक क्वेस्ट है, तो उसमें क्या हुआ, जीन पियाजे थे वो देखना चाहते थे कि उनके यहाँ जो घर पे जो बच्चे थे, कि बालक में जो बच्चे होते, जो छोटे बच्चे होते हैं, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। संज्ञानात्मक मतलब देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट तो हमें दिखाई देता है, छोटा बच्चा है, बड़ा हो गया, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, लेकिन उसका मानसिक विकास हमें नहीं दिखाई देता है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, तो इस बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने जब बच्चा जन्म लिया, तब से लेकर के, और जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो गया, तब तक उन्होंने उसकी स्टडी की, उन्होंने जिज्ञासा बस की, उन्होंने जानकारी के बस की, उसका किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने केवल उस बारे में स्टडी किया, और स्टडी करके अपने रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट पब्लिश कराई, ठीक है। और जब रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट पब्लिश कराई, तो उस समय तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, लेकिन आगे चल करके जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले हैं, जो मानव विकास के फील्ड में काम करने वाले हैं, वो थ्योरी उनके लिए अच्छी साबित हुई। क्यों अच्छी साबित हुई? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई बच्चे में इस तरह से मानसिक विकास होता है। से एक शिक्षक है, एक शिक्षक को पता चल गया कि बच्चे में इस तरह से मानसिक विकास होता है कि छोटे बच्चे में रीजनिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, तो छोटे बच्चे को रीजनिंग की चीजें नहीं सिखाई जा रहा, ठीक है, उसको उसमें इस समय इमेजिनेशन होती है, उसको इमेजिनेशन की चीजें सिखाई जाए, तो हमें जानकारी हो गई। जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे लोग यज्ञ करते थे पहले, यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, यज्ञ के बारे में सिद्धांत विकसित हो गया कि यज्ञ से ये करने से ये फायदे होते हैं, किसी ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के उसके फायदे देखे, और फायदे देखने के बाद उसको अपना रिसर्च कर लिया, लेकिन उसका व्यवहारिक कोई उपयोग नहीं हुआ, व्यवहार में कोई उपयोग नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे देखा समस्याएं बढ़ने लगी समाज में, तो लोगों ने देखा भाई एयर प्योरीफाई करने के लिए यज्ञ से क्या होता है, एयर प्योरीफाई भी होता है और मानसिक शांति भी मिलती है, तो लोगों ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो पहले वो सिद्धांत था, बाद में व्यवहार में बदल। तो ये फंडामेंटल रिसर्च के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा, फंडामेंटल के जो सिद्धांत होते हैं, उनका व्यवहार, उनका उपयोग व्यवहारिक अनुसंधान करने में जाता है। ढेर सारे ऐसे रिसर्चर हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जो उपयोग है समस्या के समाधान करने में किया जाता है। पहले वो सिद्धांत होते हैं, आगे आते हैं अप्लाइड रिसर्च आता है। अप्लाइड रिसर्च क्या, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा, जब हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं और उसका विश्लेषण करके ये देखते हैं, कोई एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी को कोई सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत के द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, चाहे वो शैक्षिक समस्या हो या कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार की जो अनुसंधान होता है उसे क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मान के चलिए कि योग की कोई थ्योरी है, ठीक है, योग कोई थ्योरी दी गई है, और वो थ्योरी है क्यों, योग में बता दिया गया, योग में बहुत सारी चीजें हैं कि बताई गई, क्या है वो हठ योग अनुशासनम शुरू से लेकर के, और क्या स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है, ये केवल सिद्धांत है, स्थिरम सुखम आसनम कि आसन करने से शरीर में स्थिरता आती है, ठीक है, ये केवल सिद्धांत है, मात्र सिद्धांत, एक शब्द लिखा हुआ है कि आसन अगर करेंगे तो उससे स्थिरता आएगी, तो ये सिद्धांत है। फिर सिद्धांत को क्या किया भाई, करके देखा गया कि करके देखा तो सिद्धांत भाई, आसन लगा के देखे गए, विभिन्न प्रकार के आसन लगाए गए, विभिन्न प्रकार के आसन से होने वाले शरीर में जो स्थिरता आती है,
उसके फायदे देखेंगे। उस फायदे के आधार पर फिर क्या किया गया कि भाई अगर स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए बॉडी को, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आसन लगाने होंगे। तो हमने उसकी व्यवहारिक समस्याओं की, जहां जहां जिनको स्थिरता नहीं होती है उनको बॉडी में स्थिरता लाने, क्योंकि शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, तो स्थिरता लाने के लिए जो है वो आसन का उपयोग है। जैसे प्राणायाम क्या है, प्राणों का आयाम है, तो कैसे हम जैसे आप सिद्धांत है कि प्राणायाम करने से चीजें होती हैं, कुछ कहते हैं अनुलोम विलोम करने से, और जो है बहुत सारी चीजें करने से रक्त ब्लड जो हमारा सही होता है और हमारा लंग सही होते हैं। तो पहले सिद्धांत था, बाद में क्या उसको लाया, तो ये अप्लाइड रिसर्च है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बैठने का कई बार क्वेश्चन आया। तो रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज एक्शन रिसर्च, ये क्या है, एक रिसर्च की एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें किसी तात्कालिक समस्या के पर तुरंत काम किया जाता है, इमीडिएट एप्लीकेशन है तुरंत, ठीक है। कुछ रिसर्च होती है जैसे ऊपर हमने पढ़ा, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए रिसर्च करता है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए करता है। अप्लाइड रिसर्च क्या, कोई समस्या आ गई तो उस समस्या के समाधान पे हमें काम करना, तो समस्या आई है अब समस्या के समाधान पे हम काम करना शुरू कर देते, धीरे धीरे काम करते, उसके लिए जो कोई सिद्धांत है या पहले से कोई रिसर्च पढ़ते हैं उसके आधार पे करते हैं। जैसे वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, ढेर सारी समस्याएं हमारे पास मौजूद, उन समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ये सब अप्लाइड रिसर्च के द्वारा किया जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जो तुरंत आती हैं और उनका समाधान होता है। तो इस तरह के जो रिसर्च होती है उन्हें एक्शन रिसर्च कहते हैं। खास तो कैसे होती है, ये रिसर्च होती है इस प्रकार की, जो एक्शन रिसर्च होती है जाता है, गार्डन से पेड़ तोड़ लेता है, बच्चों के साथ छेड़खानी करता है, लड़ाई कर लेता है, ठीक है, टीचर जो है उसके साथ देर से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ समस्याएं जो होती है जो तुरंत तात्कालिक उनका समाधान करते हैं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए जो रिसर्च की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरवेंशन टू एमुलेट अ गिवन सिचुएशन, जो तुरंत किसी समस्या के समाधान सुधार के लिए होती है। ये जो रिसर्च है ये स्टीफन एम कोवे जो है उन्होंने दी थी, इसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें तत्कालिक समस्या का समाधान तुरंत, इसकी विशेषता ये है कि ये जो अनुसंधान होता है, जो एक्शन रिसर्च होता है, इसको करने के लिए कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूजी कर रहे हैं तो उसमें भी रिसर्च के लिए एक सेक्शन बना होता है कि भाई डिसर्टेशन बनाना, तो लास्ट सेमेस्टर बनाना, पहले पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तब आप रिसर्च करेंगे। 12th के बच्चों को नहीं कराया जाता है रिसर्च, ठीक है। उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके अंदर ट्रेंड माइंड चाहिए, उसके अंदर सारी चीजें चाहिए, उसकी योग्यता चाहिए। लेकिन जो एक्शन रिसर्च कराया जाता है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती कि वो टीचर हो, वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, ड्यून भी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। मान के लिए कोई बच्चा जो है गार्डन से बार बार फूल तोड़ के लेके चला जाता है, तो मालिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे नहीं क्या, वो एक्शन रिसर्च मालिक कर सकता है कि मैं कैसे